guys, I'm Kashika. Welcome to my channel and I'm back again with another Meesho haul. Last week wale Meesho haul ko aapne kafi pyar diya tha. Agar nahi dekha hai to jaakar dekh lena. So usi haul mein maine pucha tha ki batao yaar next haul kis bare mein dekhna hai. So kafi ladkiyon ki request thi ki ethnic haul banao because the festivals aane wale hain. Bahut sare hamare teej tyohar jaise hum bolte hain hindi mein, sawan bhi chal raha hai. Kafi ladkiyan ethnic pehnti hain jo bhi fasting and all karti hain, then rakhi aayegi. Plus abhi marriage ka bhi thoda sa season chal raha hai. So chote-mote function hote hain family ke, uske andar mein halka-fulka ethnic pehnna hota hai. So maine ध्यान रखा है आज के हॉल में एकदम गर्ली प्रिटी मैं आपको पीसेस दिखाने वाली हूँ. दे आर वेरी गर्ली, नॉट वेरी हैवी एंड फेमिनिश, सो एकदम बीच का एक बैलेंस बना देते हैं ये. इनफैक्ट आज के हॉल में सबसे चीपेस्ट आइटम है ना, मैंने अभी रियलाइज किया रेट लिस्ट चेक करते हुए कि मैंने क्या क्या लिया था. सबसे चीपेस्ट आइटम ही सबसे सुंदर आइटम है इस हॉल का. लिटरली आप किसी की शादी में पहन सकते हो और प्राइस सुन के तो आपको भी शॉक हो जाएगा. सो विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं हॉल के साथ. बात की जाए ऐप की, अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, मीशो इज इंडियाज फेवरेट ऐप टू शॉप वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स एट लिटरली लोएस्ट प्राइस. वैरायटी तो काफ़ी ज़्यादा है, मेन वुमेन बच्चों के ज्वेलरी एक्सेसरी हर चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर. और प्राइसेस काफ़ी लो होते हैं बिकॉज डायरेक्टली सेलर से आता है, सो इसमें ऐसे कुछ हाइप नहीं होता. इनफैक्ट आप ये चीज़ खुद के लिए खरीद सकते हो, प्लस आप इसको आगे रीसेल भी कर सकते हो. जैसे कि मैंने कहा प्राइस एकदम लो है, थोड़ा बहुत मार्जिन लगा कि आप इसी चीज़ को अपने फेसबुक व्हाट्सएप नेटवर्क के थ्रू आगे सेल कर सकते हो. बैठे बैठे आपकी अर्निंग भी हो जाती है. अगर आपने ऐप बिल्कुल एक्सप्लोर नहीं करी है, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो गो एंड इंस्टॉल दैट ऐप. अगर आप इस लिंक के थ्रू करोगे आपको फर्स्ट ऑर्डर पे या तो 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा या फिर फ्लैट 30% ऑफ आपको मिल जाएगा. एंड विदाउट एनी फर्दर डू स्टार्ट करते हैं हॉल के साथ. मेक श्योर आपने सब्सक्राइब बटन को हिट कर दिया होगा और बेल आइकन को भी. एंड नाउ लेट्स गो. स्टार्टिंग विद अ वेरी ब्यूटीफुल टू पीस सेट, एकदम परफेक्ट है राखी ओकेजन के हिसाब से. ना ज्यादा हैवी है ना ज्यादा लाइट है, एकदम परफेक्ट ब्रीदेबल. इसको पहन के इतना कंफर्टेबल फील हुआ ना. ये एक टू पीस सेट सबसे पहले आती है इसमें कुर्ती जो काफी प्रिटी ब्लू कलर की है. रेयन मटेरियल है कुर्ती का, प्लाजो का भी रेयन मटेरियल है. मैंने इसको साइज पिक किया है मीडियम, ऑल्दो आई थिंक मुझे स्मॉल लेना चाहिए था बिकॉज मीडियम मुझे हल्का सा ऐसे ऐसे लूज आ रहा आपको लग रहा होगा. मैंने अपनी मम्मी को दिखाया, टिपिकल इंडियन मॉम जो होती हैं साइज बड़ा ही लेना चाहिए, साइज छोटा टाइट नहीं लेना चाहिए, ऐसे अच्छे हैं, ज़्यादा फंसे फंसे कपड़े क्यों पहनने हैं. सो चीज़ लाइक काफ़ी प्रिटी लग रहा है. और वैसे भी अभी जैसे गर्मी ह्यूमिडिटी का वेदर है ना, ऐसे हल्के हल्के लूज क्लोथ्स अच्छे लगते हैं. काफ़ी प्रिटी इसमें ऊपर यहाँ पर डिज़ाइन दिया हुआ है, हल्का सा डिफरेंट एक नेकलाइन दी हुई है. मतलब यहाँ पे आपको एक हल्का सा एक स्लिट जैसा दिख जाएगा नेकलाइन को थोड़ा सा डिफरेंट बनाने के लिए. देन स्लीव्स भी इसकी काफ़ी अच्छी हैं, 3/4 बेल स्लीव्स है, नीचे आके बेल वाला डिज़ाइन है. यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा बो दिया हुआ है जो काफ़ी क्यूट लगता है. देन इट हैज़ अ लिट ओवर हेयर. लिटरली जब मैंने खोला था मुझे थोड़ा सा अटैक आ गया था, मुझे लगा ये फटा हुआ है, बट नहीं, डिज़ाइन है बेसिकली. दोनों शोल्डर्स पे यहाँ पे आपको हल्का हल्का स्लिट मिल जाता है. पूरी लॉन्ग कुर्ती है, काफ़ी प्रिटी लगती है. इसके साथ आता है ये ब्लू कलर का प्लाजो. सो यही सेम सेल है ना, और कलर्स भी सेल कर रहे थे. दे हैड रेड कलर का एक प्लाजो, इसका भी हल्का सा उसका डार्क शेड था. देन मस्टर्ड कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन मेरे पास ऐसा वाला कोई कलर नहीं था सो मैंने पिक किया. ऑल्सो ऐसे जो टू पीस सेट लेने का फायदा होता है ना, आप इसी प्लाजो को किसी और कुर्ती के साथ भी पहन सकते हो बिकॉज ये बेसिक है, इसमें कोई डिजाइन नहीं बन रहा है. प्लेन ये सिंपल सा एक प्लाजो है फुल लेंथ का. आप इसको बिल्कुल भी कोई व्हाइट कलर की ब्लैक कलर की कोई भी कुर्ती हो ना, आप इजीली पेयर कर सकते हो. सो चाहे आप एक सेट ले रहे हो, लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आप कहीं ना कहीं इसको मल्टी वे में पहनोगे तो आपका पैसा एकदम वसूल हो जाएगा. कुर्ती का भी मटेरियल रेयन है, प्लाजो का भी मटेरियल रेयन है. बाकी जो भी साइज एंड ऑल था ना, वो सेलर ने नीचे बहुत अच्छे से मैंशन किया हुआ है. कुछ कुछ सेलर ना बहुत अच्छे से साइज चार्ट मैंशन करते हैं कि स्मॉल के हिसाब से बस साइज चेस्ट एंड ऑल शोल्डर कैसे आने वाले हैं, सो काफी अच्छा रहता है. और आप भी ध्यान रखा करो, जब आप मीशो से कुछ भी लेते हो ना, आप हमेशा अच्छे से रिव्यूज पढ़ो, नीचे देखो लोगों की इमेजेस देखो कि एक्चुअल में जो उन्होंने दिखाया है नीचे रिव्यू में इमेजेस है, आपका आइडिया लग जाएगा कि कैसा पीस आने वाला है. सो दैट आप थोड़ा सा श्योर रहते हो कि हाँ जैसा दिखाया था वो ऑलमोस्ट वैसा है या फिर नहीं है. नेक्स्ट वन इज अगेन अ कुर्ती अकॉर्डिंग टू मीशो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये काफ़ी प्रिटी बोहो ड्रेस होने वाली है बिकॉज वैसे फुल लेंथ एक ड्रेस स्टाइल कुर्ती होती है ना, मैं तो इसको खाली पहनती हूँ. मैं पजामी या कोई प्लाजो के साथ नहीं पहनती, खाली इसको ऐसे ही पहनो, नीचे कोल्हापुरी डाल लो एंड यू लुक वेरी वेरी प्रिटी. एक बोहो आउटफिट बन जाता है. मैंने अपने कॉलेज टाइम में काफ़ी ऐसी ड्रेसेस पहनी है बिकॉज फुल लेंथ होती है, कवर्ड फीलिंग भी आती है, एट द सेम टाइम गर्मियों में एकदम कंफर्टेबल ये रहती है. सो दिस इज़ हाउ द कुर्ती लुक्स लाइक. इसके पूरे फ्रंट ये वाले पार्ट में बहुत प्रिटी एम्ब्रॉयडरी दी हुई है. एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी नीट है, लाइक आप पास से भी देख सकते हो, कुछ भी थ्रेड एंड ऑल निकलने वाला सीन नहीं है, विच इज वेरी गुड. लाइक काफी नीट इन्होंने काम किया हुआ है. स्लीव्स पर हल्का से इन्होंने यहाँ पे पैटर्न दिया हुआ है. अगेन मैंने इसमें साइज मंगा लिया मीडियम. आई डोंट नो, मैं पहले जब एथनिक मंगाती थी ना, मैं स्मॉल लेती थी तो मुझे फसा फसा आता था, अब मैं मीडियम लेती हूँ तो मुझे लूज आता है. सो आई एम स्टिल स्ट्रगलिंग विद माई साइज. ऑल्दो वेस्टर्न में मुझे अपना साइज एक्जैक्टली पता है, लेकिन मैं इंडियन में ना हल्का सा एक साइज बड़ा ले लेती हूँ बिकॉज इंडियन आप इजिली ऑल्टर करा सकते हो. अब ये अगर टाइट आती तो फिर प्रॉब्लम हो जाती, लेकिन हल्की सी ढीली है, शोल्डर से परफेक्ट है, यहाँ से हल्की
हल्की सी ढीली है सो आई कैन ऑल्टर इट. सो अगर आप भी अनश्योर हो ना अपने साइज के तो एक साइज बड़ा ले लो, ऑल्टर हो जाएगा तो भी काम आपका चल जाएगा. आप इसको कोई भी फेस्टिव ओकेजन पे इजिली पहन सकते हो. नॉट जस्ट फेस्टिव ओकेजन, ऐसी जो फुल लेंथ सॉर्ट ऑफ कुर्तियाँ होती है ना, अपने फ्रेंड्स के जो भी छोटा मोटा फंक्शन होता है, हल्दी मेहंदी सगाई लाइक जो घर वाला ऐसी फंक्शन होता है, आप इजिली पहन सकते हो बिकॉज ये घर के लिए एकदम ब्रीदेबल रहती है, ना ओवर लगती है ना ज़्यादा लाइट लगती है. अगेन यू कैन जस्ट एक्सेसराइज इट, आप इसके झुमकिया पहन लिया, क्लच कैरी कर लिया, नीचे आप कोई भी ब्लिंगी सी जूतियाँ पहन सकते हो, कोल्हापुरी पहन सकते हो, एंड यू आर गुड टू गो. बाय द वे इस वीडियो के ट्राई ऑन में मैंने जो भी जूती कोल्हापुरी पहनी है वो भी मैंने मीशो से ली थी, आप मेरे प्रीवियस हॉल में जाके चेक कर सकते हो. मैं नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगी मीशो हॉल की, मैंने अब तक जो भी हॉल्स बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट डाल दूंगी, आप जाके इजिली देख सकते हो. ऑल्सो मीशो पर ना लिंक्स नहीं होते, कोड होते हैं, सो मैं सबके कोड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो अपने मीशो ऐप के ऊपर, आपको इजिली आइटम मिल जाएगा. नेक्स्ट आइटम इज समथिंग जो मुझे इतने टाइम से लेना था और मैं वेट कर रही थी कुछ पसंद आए कुछ डिफरेंट लगे तो मैं लूंगी. ऑल्दो ये वाला प्रिंट कभी आउट ऑफ फैशन ही जाता है, आपको पता होगा इंडिगो प्रिंट इसको बोला जाता है. लिटरली मैं अपने स्कूल टाइम में देखती थी मेरी टीचर्स इंडिगो साड़ी सूट पहनती थी. अगर आपने भी उस टाइम देखा ना तो मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, बिकॉज मेरी मेमोरी इंडिगो के देख के हमेशा यही आती है, मुझे अपनी टीचर्स याद आ जाती है स्कूल टाइम की, बिकॉज वो भी ऐसी इंडिगो प्रिंटेड की कॉटन साड़ीज पहनती थी. फिर जब मैं कॉलेज में आई, मैंने कॉलेज में इतनी सारी लड़कियों को पहनते हुए देखा, सो दिस इज समथिंग ये कभी आउट ऑफ फैशन नहीं जाने वाला, और अभी करंटली दोबारा वापस और ज्यादा पीक पे आ चुका है बिकॉज एवरीवन इज वेयरिंग समथिंग इंडिगो. तो ये बेसिकली कुर्ती नहीं है, इनका इन्होंने नाम दिया अट्रैक्टिव प्रिंटेड इंडिगो ड्रेस पैंट सेट. सो इसको बेसिकली इन्होंने ड्रेस बोला है बिकॉज आई थिंक इसको आप खाली भी पहन सकते हो, इसको आप खाली भी ऐसी पहनोगे ना बिना पैंट के, इतनी प्रिटी लगेगी, नीचे कोल्हापुरीज डाल लो. एंड ये मैंने एम साइज पिक कर लिया, बट द बेस्ट थिंग इज यहाँ पे आती है इनकी बेल्ट, और ये डिटैचेबल भी है, एज इन आप हटा भी सकते हो अगर आपको हटाना हो, लेकिन बेल्ट से काफी अच्छी फिट आती है. मैंने बेल्ट से ही पीछे इसमें फिटिंग दी थी और बिल्कुल एक अंडर द बस्ट बहुत अच्छी फिटिंग आ गई थी मेरी. वीनेक इसका बहुत प्यारा है, ना ज्यादा डीप है ना ज्यादा ऊपर है, एकदम परफेक्ट जगह इसका वीनेक आ रहा है. स्लीव्स फ्लैट है, यहाँ से यहाँ पे हल्का सा एक पैटर्न सॉर्ट ऑफ दिया हुआ है ऐसे क्रिम क्रिम वाला, और पूरी ये नीचे तक जाती है. लुक सो सो प्रिटी है, पूरा प्रिंट ही बड़ा प्रिटी लगता है. और इसके साथ आती है प्लेन व्हाइट पैंट जो कुछ इस तरह से दिखती है, वेरी बेसिक एंड सिंपल, नथिंग फैंसी. सो अगर आप इसको सूट सॉर्ट ऑफ वे में दिखाना चाहते हो सो आप पूरा एक पैर भी पहन सकते हो, अदरवाइज आप खाली ड्रेस भी पहनोगे ना बड़ी प्रिटी लगेगी. कॉलेज गर्ल्स के हिसाब से अगर फ्यूचर में कॉलेज दोबारा खुलते हैं आई थिंक दिस विल लुक वेरी प्रिटी. ऑल्सो इन दोनों का मटेरियल है प्योर कॉटन, सो काफी कम्फी फील होती है. अभी तक मैंने जब आपको दो कुर्ती दिखाई है दोनों रेयॉन मटेरियल की है, वाइल दिस वन इज कॉटन. सो इफ यू प्रेफर कॉटन ओवर रेयॉन देन डेफिनेटली आप इसको ले सकते हो, काफी ब्रीदेबल है, काफी अच्छी फील होती है. अभी गर्मी के हिसाब से तो बहुत प्रिटी है, लाइट फील हो रही है. नेक्स्ट वन इज कुर्ती, लेकिन ये लुक एकदम लहंगा स्टाइल देती है, जैसे आप कुर्ती के साथ लहंगा पहनते हो ना बिल्कुल वैसी लुक देती है. एंड आई एम डेफिनेटली श्योर आपने काफी लोगों के यूट्यूब हॉल्स में देखा होगा, मैंने भी अपने बहुत पुराने वाले हॉल में एक पिंक कलर की मंगाई थी, बट दैट वॉज फॉर माई मॉम, सो वो काफी बड़े साइज की मैंने मंगाई थी. सो उनका क्या है, मैंने उस टाइम भी बताया था कि शी इज वेरी हेल्दी, सो जैसे उन्होंने पहना तो अगेन बस साइज होता है, पेट का थोड़ा सा फैट होता है, सो उससे क्या होता है कुर्ती उठ जाती है. सो उनको काफी मतलब ऊंची आ रही थी, उनको प्रॉपर लॉन्ग नहीं आ रही थी जैसे मॉडल ने पहनी हुई है इमेज के अंदर. लेकिन मेरी हाइट छोटी है प्लस मैं थोड़ी सी पतली हूँ तो मुझे एकदम फ्लैट ये गिर रही है, और मुझे ऑलमोस्ट ये फुल लेंथ ही आ रही है. अगर मैं हील ना पहनूँ ना इसको फ्लैट जूतियों के साथ पहनूँ तो ये बहुत प्रिटी लहंगा एक सॉर्ट ऑफ लुक दे रही है. सो अगर आप मेरी हाइट के हो ना 5'1" 5'2" तो आपको एकदम लहंगा सॉर्ट ऑफ लुक देने वाली है. आई थिंक इट इज परफेक्ट फॉर मेहंदी सॉर्ट ऑफ ओकेजन बिकॉज कलर इसका ग्रीन है, और आजकल ट्रेंड चल रहा है ना कि मेहंदी पे ग्रीन पहनना है, हल्दी पे येलो पहनना है. हम सब ये रिश्ता क्या कहलाता है वाले सीरियल वाले हो चुके हैं बिकॉज हम सबको अब कलर कोडिंग करनी होती है. सो इसके हिसाब से काफी प्रिटी रहेगी. एंड इसके अंदर बहुत सारे कलर्स अवेलेबल थे, यही सेम सेलर पिंक व्हाइट देन लाइट ग्रीन, एक पैरट ग्रीन था, एक और वाला ग्रीन था, रेड ब्लू, मतलब इतने सारे कलर्स थे ना, सो आप कोई भी कलर पिक कर सकते हो. सो फुल लेंथ जाती है, और इसमें यहाँ पे साइड में ना डोरी वाला डिजाइन दिया हुआ है जो कुछ ऐसे जा रहा है बेसिकली. सो आप इजिली इसको डोरी को टाइट करके फिटिंग कर सकते हो, सो पूरी चेस्ट एरिया में आपकी फिटिंग काफी अच्छी आ जाती है. नीचे तक ये पूरा घाघरा सॉर्ट ऑफ लुक देता है. एंड बाय द वे अटैच्ड है, ये अलग नहीं होगा, ये पूरी कुर्ती है जो ऐसे घाघरा एंड कुर्ती का पूरा लुक देती है. माय ओनली इशू विद दिस कुर्ती इज, आप खुद भी इमेजेस में देखोगे, इसका जो ये फ्रंट कुर्ती वाला एरिया है ना, ये स्टिचिंग मुझे हल्की सी कम लगी. लाइक आई थिंक अगर इसकी ब्रॉडनेस थोड़ी सी और ज़्यादा होती ना तो आउटफिट की ग्रेस और ज़्यादा आती. कुर्ती है लेकिन दूर से एकदम कुर्ती घाघरा वाला लुक देता है, सो एकदम कैटफिश कर देता है, ये कंफर्टेबल भी देता है, एट द सेम टाइम एकदम वेडिंग अप्रोप्रिएट फील भी देता है. एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट आइटम जो बिल्कुल मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इतनी सुंदर लगेगी. एंड द चेरी ऑन द केक इज द प्राइस पॉइंट, सबसे सस्ती इस हॉल में से जो आइटम है ना वो ये साड़ी ही है बेसिकली. सो दिस इज अ वेरी प्रिटी सैटिन सिल्क साड़ी, एकदम प्लेन ये साड़ी है, और इसके
अंदर जो सेलर है ना सारे कलर सेल कर रहे थे. ग्रीन, देन दे हैव मजेंटा, वाइन पिंक, मस्टर्ड गोल्डन वाला शेड. मतलब अब मुझे लग रहा है जब मैंने इसको ट्राई किया ना, आई फेल्ट लाइक मैं 2-3 शेड्स और मंगा लूँ, बिकॉज ये इतनी प्रिटी है. एक सिंपल बेसिक सैटिन सिल्क साड़ी है, कोई इस पर काम नहीं है. बॉर्डर इन्होंने नहीं करवाया हुआ, बिकॉज यार इतने पैसे में इतना ही मिलता है, पूरी तो आपको फिनिश साड़ी मिलेगी नहीं. सो बॉर्डर इसके अनस्टिच्ड होते हैं. दिस इज हाउ द बॉर्डर लुक्स लाइक. सो इसकी आपको क्या कहते हैं, पिको करानी पड़ेगी और नीचे इसमें फॉल लगेगी. सो थोड़ा बहुत आपका और खर्चा आएगा, बट यू विल बी रेडी टू वेयर इट. इसके साथ आप इजीली कोई भी क्रॉप टॉप पहन सकते हो, व्हाइट कलर का, ब्लैक कलर का. सो इसके साथ ब्लैक कलर का ब्लाउज आता है. ये रहा ब्लाउज पीस जो इसी के साथ आया है, एकदम शिमरी ब्लाउज पीस है. मैं पास से दिखाती हूँ. सो दिस इज हाउ द ब्लाउज पीस लुक्स लाइक. ऐसा डिजाइन इसके ऊपर पूरा बना हुआ है और पूरा जो फुल लेंथ का लाइक जो साइज होता है ब्लाउज का वैसा है. और तो मैं प्रेफर करूंगी क्रॉप टॉप पहनना. अभी मैंने ज़ारा वाला क्रॉप टॉप पहना हुआ है, जो मैंने नीचे डीपी में पहना है ना, मैंने साड़ी के साथ वही क्रॉप टॉप पहना है जो सॉर्ट ऑफ व्हाइट टोन का है, लेकिन इसके साथ ब्लैक टोन ही ज़्यादा अच्छी लगेगी व्हाट आई फील. सो अगर आपको ये स्टिच भी नहीं कराना ना, बेसिक सा एक ब्लैक कलर का क्रॉप टॉप ले सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. इसको थोड़ा बहुत आप एक्सेसराइज करो क्लच के साथ, हील के साथ, एंड आई थिंक यू कैन जस्ट नेल इट अंडर ₹1000. आपकी बहुत प्रिटी लुक बन के तैयार हो जाएगी, ज़्यादा खर्चा नहीं होगा. सो ऑल द गर्ल्स आउट देयर जो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में कुछ ऐसा सस्ता ढूंढ रही है जो अंडर बजट भी हो, सो आई थिंक दिस इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट. दैट इज इट फॉर माई एथनिक मीशो हॉल. मैंने लिमिटेड पीसेज रखे हैं, लेकिन मैंने कोशिश करी है वो सबसे अच्छे हो, सुंदर हो, एट द सेम टाइम अफोर्डेबल भी हो. ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, आपके बजट में इजिली ये फिट आते हैं और मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया क्वालिटी के साथ. लुक वाइज ये सभी काफ़ी प्रिटी लगे मुझे अपने ऊपर. इन सबके कोड्स नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मीशो का लिंक भी मिल जाएगा. अगर आपको नहीं पता, मीशो पर फ्री डिलीवरी है, कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है, कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते. अगर आपको रीसेलिंग करनी है तो आप रीसेलिंग भी कर सकते हो. रिटर्न एक्सचेंज भी अवेलेबल है, लेकिन उसकी विंडो 7 डेज की होती है. आपको 7 डेज के अंदर अंदर ही रिटर्न या फिर एक्सचेंज आप इजिली करा सकते हो. सो या वेरी इजी टू शॉप, घर बैठे बैठे शॉप करो. अननेसेसरी मार्केट जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस फेस्टिव ओकेजन में. आई होप यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल. ऑल्सो मैं अपने प्रीवियस मीशो हॉल्स का एक लिंक नीचे डाल दूंगी, उसमें आपको सारे वीडियोस देखने को मिल जाएंगे. मैंने जितने मीशो हॉल्स बनाए हैं आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो. एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.